हेलो नमस्ते जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचपीटी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हमें डेबरिंग में और यहाँ से अभी नाश्ता पानी किया और सुबह का यार टाइम आज हो गया 10:30, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, तो जल्दी निकलना था, लेट कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो अभी यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे और पीछे का नज़ारा देखो यार, खुला एकदम मैदान और चारों तरफ पहाड़ यार, बहुत ही मतलब सही जगह है, बहुत ही सही जगह, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। यहाँ से आज अपने को सबसे पहला जो पास आएगा वो आएगा टांगलांगला, उसको पार करना है, मतलब ये इस रूट का ये लास्ट पास है मे बी, उसके बाद में कोई पास नहीं है। और यहाँ से 23-24 किलोमीटर है, बाकी 11 बजने को आ रहे हैं, लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। कल रात को हम उस तरफ टेंट लगा के रुके थे और अपना एक भाई था उसके पास टेंट है बट वाटरप्रूफ नहीं था, तो उसने यहाँ पे जो देते हैं ना बेड उसके अंदर रुका हुआ था, तो उसके 200 रुपये लगे, 200-250 ये रेट है, 200 रुपये तक मिल जाता है, उससे कम नहीं करते। और खाने पीने का भी रेट यहाँ पर ठीक ठाक है, बस 5-7 रुपये थोड़ा महंगा लेते हैं, बाकी सब सही है। चलिए अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। सामान सारा पैक हो चुका है, सामान अपने अपने पास है, कल अपने पास नहीं था सामान, आज अपना खुद के पास है सामान। तो चलो जी आज की अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, भोले का नाम लेके, जय शंकर जय भोले। मम्मी राइड सेव करना यार, आज है ना सामान बहुत ज़्यादा लग रहा है, लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सामान है, बल्कि सामान तो वही है जितना हमारे पास पहले था, बट 2-3 दिन से खाली चल रहे थे ना, तो आज ऐसा लग रहा है सामान कुछ ज़्यादा ही है अपने पास में, बट ठीक है कोई नहीं, सामान लेके अपना सामान तो खुद ही रखना पड़ेगा ना। और यार वो अंकल जी और यहीं रुके हुए थे कल रात में, वो भी आगे निकल गए, लोग तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं सुबह सुबह, हम लेट कर देते हैं। हाँ यार पीछे के नज़ारे मेरे को बहुत, यहाँ के मतलब खुला है एकदम खुला एरिया है यहाँ का, बहुत ही मस्त लगा मुझे, अगर रात को स्टे किया सही जगह थी, बाकी सही यार सड़क एकदम सीधी वाली सड़क आपको कल दिखाई दी यार, क्या सड़क आई थी कल ना, बहुत ही ज़बरदस्त। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अरे मज़ेदार यार जिंदगी जी रही है भाई हम तो हैं भाई। मुस्तफा उस्ताद कैसन बा, ठीक बा, हाँ जल खाबो, जल खाबो हैं, जल 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 खाबो, हाँ खाबो जल खाबो। ओहो ये भी नीचे उतर लिया ट्रक यार, हाँ अच्छा ना खेले ना खेलवे दे, खेलवे बिगाड़ दे, हाँ मतलब ना बोलना आता भाषा को भाषा की अस्त कर देते हैं ट्राई मारना तो बनता ना ब्रो, बस वही कर रहा हूँ मैं। हाँ ये रास्ता देखो कितना लंबा है एक जैसा, तो यहाँ पर अपना सूर्य जो है आर्मी को सैल्यूट कर रहा है। आर्मी का रिस्पेक्ट तो बनता है ना यार, आर्मी का रिस्पेक्ट करना तो बनता है ना यार, बनता है। वैसे काफी सारे ट्रक आते हैं टांगलांगला 16 किलोमीटर, तो यहाँ से 16 किलोमीटर बाकी है टांगलांगला, हम लगभग 5 किलोमीटर चल लिए हैं, डेढ़ घंटा हो गया। और आर्मी वाले आगे से आ रहे हैं, उनको यार सैल्यूट कर रहे हैं यार, मतलब किसी के चेहरे पर स्माइल आते हैं ना तो उसकी जो खुशी है ना अलग ही होती है भाई, मतलब आर्मी वाले भी खुद भी सैल्यूट कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, रिप्लाई मिल रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है ना यार, मतलब खुशी मिलती है अंदर से, जो खुशी मिलती है ना वो खुशी अलग ही होती है, वो किसी को बयान नहीं की जा सकती ना, मतलब खुद को खुश रखना एक आसान काम है बट दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना ना एक बहुत ही अलग फील देता है। तो सही है अभी बैठे यार पानी वानी पियेंगे, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद हम रुक रहे हैं पानी पी रहे हैं, क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट रखना ज़रूरी है भाई। चढ़ाई देखो पीछे ना पूरी चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई एकदम सीधी, तभी आज 1.5 घंटे में ना सिर्फ हम 5 किलोमीटर चल पाए, वरना तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर खींचने वाले बंदे हम तो भाई इतनी तेज अभी है ना हवा, इतनी तेज चलने लग गई है, इतनी ज़्यादा तेज, फिर टोपी वोपी निकालनी पड़ी यार, ये मेरी लिए चली यार, बहुत ज़्यादा तेज यार हवा चलने लगी थी, वाह ओहो बारिश भी होने लगी थी, बारिश तो बट रुक गई, बादल था एक वो बरसता आगे निकल गया, देख रहे हो नाक में से पानी निकलने लगा है, ठंड कुछ ज़्यादा ही हुई यार। अभी भी 13 किलोमीटर है हमसे टॉप, देखो कब तक पहुँचते हैं, साइकिल चलाने का रिस्क क्यों ले रहा हूँ मैं यार, सांस फूलेगा, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है,
नाक तो ऐसा लग रहा है ही नहीं। तो गाइस जो तेज हवाएं चली थी ना वो लेके आई बारिश और ओले, मतलब हाथों पे लग रहे हैं बहुत तेज तेज। ये देखिए ग्लव्स पे आपको दिख रहे हैं ओले गिरे हुए, अब तो कम हो गए हैं। और ये भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे थे यार, मैंने कहा साइड में कहीं रुकते हैं, बहुत तेज ओले गिरने लगे हैं। बाइक वाले भी रुके हैं यार, ओहो मतलब हाल बुरा हो जाता, देखो हाथ एकदम पकड़ गया, हिल भी नहीं रहा है। ये हाल है, वहाँ जाना है ऊपर, यहाँ पे रोड है, देखो रोड है ना यहाँ पे, इसके उस तरफ है टांग लांगला पास, अभी भी 12 किलोमीटर बचा हुआ है। सब कुछ हो जाए, ये बारिश ओले ओले ना गिरे क्योंकि इसमें चल नहीं पाएंगे यार, पैदल बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, ऊपर से साइकिल खींचना हो रहा ना, बहुत तेज बारिश होता है, ओले गिरते हैं ओले, बारिश नहीं होता। हाँ ठंडा यार, बहुत ज़्यादा ठंडा होगी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंड होगी। बट आज अपना सामान है ना अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामान नहीं होता ना तो प्रॉब्लम होती, सामान है तो कहीं भी रुक जाएंगे, कहीं भी ठहर लेंगे, अगर आज तांग लंगला पार भी नहीं कर पाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मौसम का भी कुछ समझ नहीं आता, अभी बारिश हो रही थी ओले गिर रहे थे, अभी धूप निकाल दी। समझ नहीं आता यार, मतलब रेनकोट पहनो, बारिश होती है और ओले गिरने लगते हैं तब तो रेनकोट पहनो, जैसे धूप निकलती है रेनकोट इतना गर्म करता है भाई, इतना गर्म करता है ना, उतारने का मन करता है पर उतार नहीं सकते, क्या करें, गर्मी में चलना पड़ेगा क्योंकि हर 2 मिनट के बाद में बारिश ओले हो रहे हैं, दो बार हो गए इस रस्ते में भाई। ये तो कुछ भी नहीं थे, और जो नकेला पास किया था ना हमने, इसका वीडियो नहीं बना भाई, वहाँ तो क्या बुरा हाल हुआ था यार, बहुत बुरा हाल, मतलब बादल गरज रहे हैं, अंधेरा हो गया है, ओले गिर रहे हैं, जो लग रहे थे जो बज रहे थे हाथों में ना, पटापट पटापट, ये लगा लो सूज गए थे उस दिन हाथ तो। बट आज तो फिर भी ठीक है, कम हो रहे हैं, बट हम अगर टाइम से तांग लांगला पास नहीं कर पाए ना भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो बारिश होने की गारंटी है, स्नोफॉल भी होने की गारंटी है, और अभी भी 11 किलोमीटर बचा हुआ है। और मेरे साथी लोग वो देखो आ रहे पीछे, लोग पता नहीं क्यों धीरे चल रहे हैं इतने ज़्यादा, क्या है ना मुस्तफा की साइकिल वैसे वाली है थोड़ी, इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती ना, तो उसको साथ लिया तो यार साथ तो लेके चलना पड़ेगा ना, इसलिए उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। कोई नहीं, अब साथ मिला है ना, जैसे भी है लेके जाएंगे, पूरा पार करेंगे, सब मिलके करेंगे, सही है ना। आया जी आया झरना, जो कि हमें है पार करना, वाटर क्रॉसिंग आ गया जी, ज़्यादा गहरा तो नहीं है बट टूटा फूटा सड़क है यार, करते हैं इसको भी क्रॉस, करना ही पड़ेगा। चल भाई हम पैर ही हो जाते यार, मैंने जूते नहीं पहन रखे वाटर प्रूफ वाले, तो शायद गीले हो जाएं। भाई वाटर क्रॉसिंग से जूते गीले हो गए, और यार ये देखो ऊंचाई यहाँ से थोड़े से आगे आ चुके हैं, ऊंचाई देखो यार कितनी ऊंचाई पे हो, नीचे देखो नदी आपको दिख भी रही है ना, एकदम छोटी छोटी दिख रही है, एकदम पानी तो उसका दिख ही नहीं रहा आपको, और ये यहाँ के नज़ारे यार। सो गाइस पहुँच चुके हैं तांग लांगला, तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्तूप टाइप, ये देखिए, और ये मंदिर बना हुआ है तांगला बाबा का यहाँ पे। भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, इतनी तेज, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हैं इधर बाइक वाले भी, भाई यहाँ पे आवाज़ देखिए कैसे बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज तेज बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब हो गया, सीधा नीचे मिलते हैं आपको।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं उपसी, और जैसे हम तंगलंगला पास आज पहुंचे थे दिन में तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से हम जल्दी से शूट किया। और दूसरा एक रीज़न हो गया था हमारे साथ, जो मुस्तफ़ा है उसको ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था, तो फटाफट से जैसे हमने शूट किया, शूट करते हैं हमें हाथों हाथ वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब उसके बाद में आपने बीच में एक दो वीडियो से देखे होंगे, ज़्यादा आपने नहीं देखे होंगे। तो यार गाइस हुआ क्या, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, फिर हमने हेल्प मांगी, BRO का ट्रक आ रहा था उसमें उसको चढ़ाया और हम फटाफट से वहाँ से निकले। हम मतलब रुके नहीं, ढलान थी पूरी, मतलब उपसी तक ये लगा लो तंगलांगला से उपसी तक 2 घंटे में हम पहुँच गए। कम से कम 45 से प्लस किलोमीटर है मेरे ख्याल, 50 से प्लस मान लो, 45 से नहीं 50 से प्लस, क्योंकि ढलान थी तो जल्दी आ गए। और उसके बाद में आके यार इसका इलाज वलाज हुआ थोड़ा बहुत, जो आर्मी है उन्होंने हेल्प की। तो यार पता नहीं ये राइड कैसी चल रही है, मूड मतलब एकदम ख़राब हो गया है। तो ये सब क्यों हुआ हमारे साथ ही क्यों हुआ, मतलब हो जाता है यार, ऑप्शन की कमी है, बट थोड़ा मतलब मूड तो हो ही जाता है। तो यार उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी हमारी साइकिल वगैरह खड़ी है और वो दोनों गए हुए हैं खाना वाना और रुकने के लिए, पता करने के लिए भैया कहाँ रुकें। तो मैं यहाँ बैठा हूँ यार, इसी आप देख रहे होंगे दुकान वगैरह बंद है, तो मैं बाहर बैठा हूँ उनका वेट कर रहा हूँ, वो कब आते हैं बताते हैं। तो यार पता नहीं क्या ही हो गया, अचानक से आना पड़ा, बीच के इतना मतलब बढ़िया व्यू थे, पर यार व्यू को छोड़ता हूँ मैं यार, क्योंकि सबसे पहले जो साथ में या फिर कोई और भी है उसकी जान है, उसकी हेल्थ है, तो इसलिए हम जल्दी से वहाँ से निकल लिए कि हमने कहा पहुँचते हैं, बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रक के पीछे पीछे हम दौड़ दौड़ आए, मतलब साइकिल को हमने ब्रेक ही लगाया, भगे भगे आए, और अभी हम आ चुके हैं, अभी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इलाज हो गया, मतलब ऑक्सीजन अब उसको पूरा रहा है। बीच में रास्ते में ना पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं थे, बीच में एक रूम से पता नहीं ऐसे कुछ करके जगह थी, उसके बाद में रेगुलर पेड़ वगैरह थे, हरियाली थी, तो ठीक है अभी वो भी ठीक है, उसकी भी हेल्थ एकदम ओके है, कोई इशू नहीं है। तो यार ठीक है अभी खाना वाना खाएँगे, जगह देखते हैं, वो देखने के लिए गए हैं, जगह काम मिलती है, और ठीक है बाकी सब सही है हमारा ही। आंटी जी लगाते हैं चलो बस साइकिल अभी हटा लेते हैं, साइकिल हटाने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई ये अपना मुस्तफ़ा भाई, जिसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी ठीक है, ठीक है ना भाई, बता दे यार एकदम ओके ना, चलो ये ठीक है। और ये संदीप कर रहा है अपनी एडिटिंग यहाँ पे, क्या इन्होंने जगह ढूंढी है, जहाँ भी ये जगह ढूंढते हैं ना भाई, लाइट की व्यवस्था पहले ढूंढते हैं, इनकी आदत है, मतलब वीडियो एडिट करनी होती है, तो हमने भी अपनी वीडियो एडिट की है, चाय वाय पी है। और अभी इन्होंने रुकने की जगह कहाँ देखी है तो मुझे भी नहीं बताया, जहाँ भी देखी है वहाँ रुकेंगे, टेंट वेंट ही लगाना पड़ेगा। टेंट की व्यवस्था करेंगे कि रूम की व्यवस्था करके आओ तुम भाई? हाँ हेलो, रूम की व्यवस्था करके आओ, टेंट की, तो अभी टेंट ही लगाएंगे, टेंट की व्यवस्था करके आएँ, टेंट वेंट लगाएंगे और रेस्ट हो जाएंगे, अभी खाना वाना खाएंगे फिर सोएंगे आराम से, कल का देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, अभी कोई प्लान नहीं है, कल का मूड एकदम डिस्टर्ब हो रहा है पूरा पूरा। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे तेरे